तो शुरू किया जाए। तो आइए पहला में, तो का धीरे धीरे बतिया रहे हैं। चलिए, नौ की चाल को बी कहिएगा, स्पीड ऑफ बोट को क्या कहिएगा? बी। तो नौ की चाल कहिए या शांत जल में नौ की चाल कहिए, दोनों बात एक ही होता है। नौ की चाल कहिए या शांत जल में नौ की चाल कहिए, दोनों का एक ही मतलब होता है। और धारा की चाल, स्पीड ऑफ करंट को डिनोट कर दीजिए क्या चीज़ से? सी से। अब धारा के दिशा में नौ की चाल, तो धारा के दिशा में नौ जाएगा तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? तो बढ़ जाएगा, तो क्या लिख दिया जाए? बी प्लस सी। और धारा के विपरीत, अपोजिट करंट, स्पीड क्या होगा? घट जाएगा, तो उसको लिखेगा बी माइनस। तो फिर से समझा जाए, ये सब जितना भी बात लिखे हैं, बी लिखे हैं, सी लिखे हैं, बी प्लस सी लिखे हैं, बी माइनस सी, यह सब है क्या? ये सब क्या चीज है? स्पीड है। इसका हमेशा ध्यान रखिएगा, मतलब इस सब बराबर कभी भी कुछ लिखिएगा तो ये ध्यान दीजिएगा कि हम स्पीड लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि बी बराबर टाइम लिख दिए हैं। इस सब बराबर कुछ भी कभी भी लिखेगा तो क्या लिखेगा? स्पीड लिखेगा, क्योंकि इस सब स्पीड। चलिए, पूरे चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आप पहले से जानते हैं, दो संख्या का जोगफल दिया और दो संख्या का अंतर दिया है, दो संख्या का सम और डिफरेंस हमको पता है, तो जल्दी से दोनों संख्या कैसे कैसे निकालते हैं? एक बार जोड़ के दो से भाग देते हैं, एक बार घटा के। तो जोड़ करके दो से भाग दीजिएगा तो कितना? 13। और घटा के दो से भाग दीजिएगा तो बोलिए 13 एक्स का मान कि वाई का। तो बड़ी संख्या कौन है? एक्स, जो माइनस हो रहा है, तो यह छोटी संख्या और यह है बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या निकालना है तो दोनों को जोड़िए और दो से भाग दीजिए,
और छोटी संख्या निकालना है तो दोनों को घटाइए और फिर दो से भाग। तो यही इस चैप्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि लगभग 50% से ज़्यादा क्वेश्चन में यही बात का आपको यूज आएगा। इस चैप्टर का 50% से ज़्यादा क्वेश्चन में यह आपको यूज में आता है। तो आइए शुरू किया जाए क्वेश्चन नंबर एक से। लिखा हुआ किसी नौ की चाल धारा के दिशा में 20 किलोमीटर पर आवर है, तो क्या लिखें बताइए। तो लिख दें बी प्लस सी इज इक्वल टू 20, और विपरीत में 6 है तो बी माइनस सी इज इक्वल टू 6। तो बोला गया है कि शांत जल में नौ की चाल बताइए और धारा की चाल बताइए। तो नौ का चाल निकालना है तो आपको बी का मान निकालना है, धारा का निकालना है तो सी का। तो बी का मान बोला जाए 13, जोड़ के दो से भाग दे दिया जाए, और इसके लिए घटा के दो से भाग दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। फिर से किसी नौ की चाल धारा के दिशा में 25 किलोमीटर पर आवर है, तो धारा के दिशा का मतलब बी प्लस सी इजकल टू 25। अब धारा की चाल 5 है तो कितना बराबर 5, सी इज इक्वल टू 5। तो धारा के विपरीत 9 का निकालना है तो पहले बी का मान निकाला जाए और उसके बाद फिर क्या निकालना होगा, बी माइनस सी। तो सी का मान रखिए और बी का मान बताइए। हाँ, तो सी का मान यहाँ 5 रखिएगा, 5 घटेगा और B माइनस सी हो गया 15 किलोमीटर पर आवर। लिखा हो एक नौ धारा के दिशा में, तो धारा के दिशा में मतलब B प्लस सी 80 किलोमीटर 5 घंटे में जाता है, तो क्या लिखे 80/5। चूंकि ये सब है क्या चीज, स्पीड है, और विपरीत में 40 किलोमीटर 5 घंटा में, यहाँ क्योमा होगा तो b माइनस सी इज इक्वल टू 40/5। तब बोला गया है कि शांत जल में 9 5 घंटे में कितना दूरी तय करेगी, तो पहले b का मान निकाला जाए तो 16/24/2, तो यह क्या निकला, यह स्पीड निकला, 9 का चाल निकला शांत जल में। तो अब बोला गया कि शांत जल में 5 घंटे में तय किया गया दूरी बताइए, और अब डिस्टेंस निकलेगा 12×5। लिखा हुआ है 50 किलोमीटर लंबे नदी में धारा के साथ मतलब B प्लस सी 9 5 घंटे में जाता है, तो 50/5 स्पीड हो गया 10 किलोमीटर पर आवर। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है मतलब C बराबर हो गया 2 किलोमीटर पर आवर, तो कितने घंटे में वापस आएगा, तो गया है किधर, धारा के दिशा में, तो लौटना किधर है, विपरीत में। तो पहले हमको क्या निकालना होगा, तो b माइनस सी से भी पहले क्या निकालना होगा, b, और फिर लौटने का क्या निकालना होगा, टाइम निकालना होगा। b माइनस सी निकलेगा तो स्पीड की डिस्टेंस की टाइम, स्पीड और टाइम फिर अलग से हमको निकालना पड़ेगा। तो b का मान यहाँ 2 रखिए, इधर घटाइए, यही हो गया 8। अब b माइनस सी बोलिए तो 8-2 इज इक्वल टू हो गया 6, और कितना किलोमीटर लौटना है, 50 किलोमीटर, और कितना के स्पीड से, तो 50/6 25/3 8×1/3 8.33 किलोमीटर बराबर। एक नाभिक धारा के अनुदिश मतलब धारा के दिशा में, तो धारा के दिशा में तो लिख ही देते हैं बी प्लस सी 5 मिनट में 1 किलोमीटर, यहाँ तो स्पीड न लिखाता है तो डिस्टेंस है 1 किलोमीटर और टाइम है 5 मिनट, तो 5/1
पांच से साठ कटाइए, बारह नीचे से ऊपर चला जाएगा। अगला बात, धारा के विपरीत का मतलब हो गया बी माइनस सी। एक घंटा में कितना, तो ऊपर में सिक्स किलोमीटर और टाइम कितना है, वन आवर है, तो ठीक ही है, तो ये हो गया सिक्स किलोमीटर पर आवर। अब बोला गया है कि धारा का वेग बताइए, मतलब स्पीड ऑफ करंट बताइए, तो सी का मान निकालना है, तो जोड़ के दो से भाग दिया जाए कि घटा करके, घटा करके, तो आंसर हो गया 3 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, ये गलती लिखा गया है, टाइम न है इतना आवर। एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर जाता है, तो डिस्टेंस हो गया 3/4 माइनस से लिखिए ना, 15 मिनट है तो 15/60। चलिए सीधा ही हम कैलकुलेशन कर देते हैं, बोलिए कितना, 4 से 4 कट जाएगा। अब आइए, 10 मिनट में वापस आता है, तो वापस आएगा अब धारा के दिशा में, गया था विपरीत में, लौटेगा अब वापस, तो उतना ही डिस्टेंस 3/4, और कितना मिनट, 10 मिनट, तो 10/60, 0 से 0 कट जाएगा। चलिए कटेगा तो कितना, या ऐसे ही लिख देते हैं, कितना हो जाएगा, 9/2, 4.5 किलोमीटर। अब बोला गया है कि आदमी की चाल और धारा की चाल का रेशियो बताइए, बी और सी का क्या निकालना है, रेशियो। तो बी का मान हम लोग निकालते कैसे थे, जोड़ करके दो से भाग दिए थे, तो बोलिए 3 और 4.5, 7.5 बटा कितना, 2। चलिए अब सी के लिए क्या करते थे, घटा के 2 से भाग देते थे, तो कितना, 1.5/2, 2 कैंसिल, डेसिमल डेसिमल कैंसिल, अब 15 से 75 पांच बार करते हैं, तो आंसर हो जाएगा 5:1। चलिए इस क्वेश्चन में एक बात और, इस चैप्टर में, ये पूरे चैप्टर में ज्यादातर क्वेश्चन में डिस्टेंस आपको बराबर मिलेगा, ज्यादातर क्वेश्चन में क्या बराबर मिलेगा, डिस्टेंस। देखिए इस क्वेश्चन में डिस्टेंस बराबर है कि नहीं है, बोलिए। हाँ, जितना 3/4 किलोमीटर ही जाता है उतना ही ना वापस आता है, तो ये पूरे चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर के ज्यादातर क्वेश्चन में डिस्टेंस आपको बराबर मिलेगा। तो इस चैप्टर का क्वेश्चन एक मेथड से और बना सकते हैं, डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस, और डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो आइए, गया है कौन दिशा में, तो बी माइनस सी से, और लौटेगा बी प्लस सी से, तो बी माइनस सी क्या है, स्पीड है अपोजिट में, और तो इनटू टाइम बोलिए कितना, 15, और लौटने में टाइम कितना, 10 मिनट। कैलकुलेशन करिए, आंसर आ जाएगा, 5 से कटाइए, और अब हमको बी और सी का क्या निकालना है, तो रेशियो प्रोपोर्शन हम लोग बहुत पढ़े हैं, इसलिए एक शॉर्टकट ही लिख देंगे। तो आइए इधर गुना करिए 3b, इधर गुना करिए तो घटेगा तब, और बी का मान किसके लिए होगा, सी के लिए, चूंकि रेशियो में मान क्या होता है, अपोजिट होता है। आ इधर 3c, आ इधर 2c जुड़ेगा तो कितना, तो c के साथ वाला मान किसके लिए, b के लिए। लिखा हुआ एक नौ नदी में जितना समय में 4 किलोमीटर धारा के दिशा में जाता है, उतना ही देर में
धारा के विपरीत में कितना जाता है? 3 किलोमीटर जाता है। तो ये बोली इस क्वेश्चन में टाइम बराबर कि डिस्टेंस बराबर कि स्पीड बराबर, तो लिख देते हैं टाइम बराबर टाइम। इसके पिछला एक क्वेश्चन छूट गया, उसमें इसी तरह डिस्टेंस बराबर था, कल बता देंगे। तो आइए, धारा के दिशा में पहले गया है किधर? धारा के दिशा में, और के किलोमीटर, तो टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड। फिर दोबारा आइए, टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड, तो अब विपरीत में 3 किलोमीटर, तो 3/b-c। अब इसी का कैलकुलेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना बी, इधर 4b 3b घटेगा तो 1b, सी के बारे में बोलिए 7c। तो अब इससे दो क्वेश्चन में पूछा गया, पहला क्वेश्चन में बोला है कि रेशियो बताइए, 7:1 रेशियो में मान रिवर्स होता है। दूसरा क्वेश्चन, 9 का चाल 56 है तो धारा का बताइए, तो बी के जगह 56 रख देते हैं, तो 56 बराबर 7c, और सी का मान 8 किलोमीटर